हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ गर्ल ऑफ नाउ बाय एलिसा। ये गर्ल ऑफ नाउ जनरेशन का परफ्यूम है, उसके और दो भी हैं, शाइन एंड फॉरएवर। दिस इज़ अ सिंगल वन गर्ल ऑफ नाउ। ये वो एलिसा आपका, इट्स ही इज़ अ फेमस लेबनीज फैशन डिज़ाइनर और ये उसकी परफ्यूम लाइन में से। लेट्स स्प्रे, लेट्स चेक द एटमाइजर। ब्यूटीफुल एटमाइजर, इट्स अ ओरिएंटल फ्रेगरेंस, फ्लोरल फ्रेगरेंस। 2017 में बना था ये। उसके टॉप नोट्स हैं पिस्टाचियो, पियर एंड मैंडरिन ऑरेंज। पिस्टाचियो बहुत कम परफ्यूम्स में यूज़ होता है क्योंकि इट्स अ वेरी यूनिक एंड अ वेरी डिफिकल्ट नोट टू स्टार्ट ऑफ विद, बट एवरीबडी वुड लाइक इट। फॉलोड बाय आलमंड इन द मिडिल नोट एंड फॉलोड बाय आलमंड मिल्क, टोंका बीन एंड पैचोली इन द बेस नोट्स। वेरी डिफरेंट यूनिक कॉम्बिनेशन, वेरी रिच, क्रीमी, लवेबल, वार्म, मतलब नॉट अ डे टू डे वेयर परफ्यूम। हर किसी को पसंद नहीं आएगा क्योंकि पिस्टाचियो इज़ अ वेरी डिफरेंट नोट एज आई सेड, बट रिस्क टेकर्स जो होते हैं वही कमाल के परफ्यूम्स बनाते हैं। तो आई विल हाईली रिकमेंड दिस परफ्यूम गर्ल ऑफ नाउ टू हैव इट इन योर वार्डरोब। इट्स ऑल्सो क्वाइट डिलिशियस बिकॉज ऑफ द पिस्टाचियो टच। इसके जो दूसरे परफ्यूम्स हैं दैट आई विल रिकमेंड इज ज़ारा का मिमोसा और सेकेंड इज बल्गारी का ओमिया ग्रीन जेड। दे ऑल्सो हैव पिस्टाचियो नोट्स, सो दैट्स अबाउट इट। एंड आज के जो परफ्यूम टिप वो ये है, दैट इज़ गाइज, जिनकी ड्राई स्किन होती है ना उनकी पे परफ्यूम ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते। सो मेक श्योर दैट यू मॉइस्चराइज योर हैंड और योर नेक विद एवर यू वेयर सो दैट इट स्टेज फॉर लॉन्गर एंड द स्मेल इज लॉन्गर। सो स्टे पॉजिटिव वाइब्स एंड कीप वॉचिंग।